बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ सर अरीब शाह, आई एम योर कंप्यूटर टीचर ऑफ क्लास 5। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको कॉपी वर्क करवाया जाएगा। तमाम बच्चों को आज स्क्रीन पर फ्रिंदा ब्लैंक्स नज़र आ रही होंगी। कल की वीडियो में आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तक का काम कंप्लीट करवाया गया। आज की वीडियो में इंशाल्लाह फ्रिंदा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स की वर्किंग करवाई जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1, फ्रिंदा ब्लैंक्स नंबर 1। आ सिस्टम यूनिट कंप्राइजेस डैश कंपोनेंट्स, यानी सिस्टम यूनिट के कंप्राइजेस कितने होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। आ मदर बोर्ड इज़ द डैश ऑफ अ कंप्यूटर, मदर बोर्ड कंप्यूटर की क्या कहलाती है? बैक बोन। अ फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सर्किट बोर्ड इज डैश, रेक्टेंगुलर पीस की तरह जो सर्किट बोर्ड के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं हम? मदर बोर्ड। नंबर 4, द प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज डैश, प्रोसेसर जो होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 5, ALU स्टैंड्स फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको लेक्चर में बताई गई थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 6, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, लेक्चर में बताई गई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 7, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ डैश, दोनों चीज़ें किसकी एग्जांपल हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स की। नंबर 8, फिंगरप्रिंट्स कैन बी स्कैन यूजिंग डैश, फिंगरप्रिंट कैसे स्कैन करते हैं, किसके जरिए स्कैन होता है? आइडेंटिफिकेशन। डैश कैन परफॉर्म मैनी टास्क आफ्टर बींग प्रोग्राम बाय द कंप्यूटर, कौन तमाम टास्क को कम्प्लीट करता है हमारे तमाम प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर? रोबोट करता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, अ सिस्टम यूनिट इज़ एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सिस्टम यूनिट जो होता है जिसको हम CPU कहते हैं वो कंप्यूटर का अहम हिस्सा नहीं होता। फॉल्स, क्योंकि वह अहम हिस्सा होता है। नंबर 2, अ मदर बोर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, मदर बोर्ड के जो मुश्तमल कंपोनेंट्स सेवरल होते हैं, येस ट्रू। नंबर 3, CPU इज़ द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, CPU जो होता है कंप्यूटर का दिल होता है, फॉल्स, क्योंकि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। नंबर 4, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी, रोम की स्टैंड जो होती है फुल फॉर्म जो होती है वो रीड ऑनली मेमोरी है, येस ट्रू। नंबर 5, एन एक्सपेंशन कार्ड कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन अ मदर बोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वो कंप्यूटर मदर बोर्ड में इंस्टॉल नहीं होते, येस वो मदर बोर्ड में इंस्टॉल नहीं होते।